हाँ, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो जो थर्ड साइड होती है वो उनके रिजल्टेंट को बताती है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। बताया गया टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब बात हो रही है पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम को ऐसे बना दिया जाए ना, यही ना पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन देखिए, पैरेललोग्राम ला हम बाद में बताएंगे, हम क्या स्टेटमेंट वो अपने लिखवाने जा रहे हैं। हम पहले बताएंगे पैरेललोग्राम ला क्या होगा, अपने आप जान जाओगे। देखो ध्यान से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बता रहे, किताब बाद में पलटिएगा, इधर समझिएगा, थोड़ा कुछ मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बता रहा था, इधर देखिए, ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर ए था जो ट्रायंगल पी क्यू की साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। पी क्यू ठीक नहीं रहेगा, क्यों? पी क्यू कहेंगे तो उसके बाद आर आएगा और आर को रिजल्ट क्या कर रहा हूँ, ए बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए बी की जो लेंथ है वो वेक्टर ए की का मैग्नीट्यूड है और ए बी की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरा वेक्टर इस ट्रायंगल की साइड बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ये वेक्टर बी है, ठीक, और इनके बीच में एंगल थीटा है, यही था ना, और ये सेम ऑर्डर में है। और सेम ऑर्डर क्यों कहा जाता है, जहाँ से एक का हेड ख़त्म होता है वहाँ दूसरे की टेल स्टार्ट होती है, तो कहते हैं वो सेम ऑर्डर में है। तो ये जो साइड है थर्ड साइड, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका रिजल्टेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन, ध्यान से इधर देखिए तब समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट दियर रिजल्टेंट। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस साइड के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दें तो क्या आप कह ए डी, तो क्या आप कह सकते हो कि ये जो ए डी है वो बी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल की बात हो रही है। और अगर इसकी लेंथ बी सी के बराबर हो जाएगी तो ए डी की वैल्यू वही होगी, और इसको हमने खींच दिया ऐसे तो ये आपका ए हो जाएगा, वो हम बाद में नोट करेंगे। इसके बीच एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब जरा ए बी सी डी का शेप कैसा दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम। और ये दो साइड्स क्या कहलाती हैं इनकी, पैरेललोग्राम की इन दो साइड्स का नाम क्या है ज्योमेट्री के हिसाब से, बताइए। नहीं, ये तो वो छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, किसी पॉइंट से दो लगी हुई लाइन साइड्स को क्या कहते हैं, इन्हें एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एडजेसेंट, एड क्या लिख रहा हूँ, एडजेसेंट साइड्स याद है, मिली हुई साइड्स को। यहाँ कितने पेयर एडजेसेंट साइड्स हैं, एक एक ये एडजेसेंट साइड है, ये के एडजेसेंट साइड है, एक ये है, एक ये है, तो कोई एक पेयर हम ले ले रहे हैं। तो कह ये रहा है कि अगर हम पैरेललोग्राम ला की आप बात करने जा रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए जो एक पॉइंट से खींची गई हैं, तो उसी पॉइंट से जो डायगोनल खींचा जाएगा वो उन वेक्टर का रिजल्टेंट बताएगा। डायग्राम से क्लियर हुआ, डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, उधर देखिए कि अगर दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा, पर डायगोनल तो यहाँ से भी खींच सकते हैं आप, ये भी एक डायगोनल है, इधर से भी डायगोनल हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं, इस जो ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से जो डायगोनल जाएगा वो उसके रिजल्टेंट को बताएगा। स्टेटमेंट समझ में आया क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अब मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए ये है जो साइड ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक वेक्टर बी ये है। अब आप कहेंगे साहब ये तो ट्रायंगल का जो जो वेक्टर का एडिशन का रूल है वो तो इसके खिलाफ है। ये देखो वेक्टर एडिशन का रूल क्या था कि भाई ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, यही था ना रूल। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये वाली, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये बी हो जाएगा। भाई अगर इधर आप बी खींच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, बी यहाँ खींच रहे थे ना, तो मैं ये बी सी बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या इसके पैरेलल हम ए डी नहीं खींच सकते हैं। अब बताइए ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है कि नहीं है, यानी कि और ए डी की लंबाई हमने बी सी के बराबर ली है, तो इसका मतलब ए डी बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसके पहले जो ट्रायंगल ला था उसमें ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिजल्टेंट। अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो अगर ट्रायंगल को मैं भूल जाऊँ। अच्छा दूसरी बात, अगर ए और बी के बीच में एंगल वहाँ थीटा हुआ करता था तो यहाँ भी ये थीटा होगा नहीं होगा। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस लॉ को एक तरीके से बना दिया इस डायग्राम को। यहाँ क्या कह रहा है कि ये दो साइड्स क्या कहलाती हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, किसी पॉइंट से खींची गई। इन्होंने कहा अगर दो वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसी भी पॉइंट से किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके उसी पॉइंट से खींचा गया डायगोनल उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखिए जाए स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, यह है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, देखा ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, क्या इसका मतलब निकला कि अगर किसी भी पॉइंट से, इधर देखिए, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड ड्रा की गई और ये दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो उसी पॉइंट से जो डायगोनल खींचा जाएगा वो उसके रिजल्टेंट को बताएगा। ये हमने ज़बरदस्ती नहीं लिखा है, हमने वेक्टर एडिशन का जो नियम होता है उसी से डायग्राम बनाया है। तो लिखिए फ्रॉम ए पॉइंट देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the diagonal of parallelogram from the same point, मतलब उसी पॉइंट से खींचा गया जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेटमेंट समझ में आया क्या होता है। अब इसका रिजल्टेंट निकालें कैसे हम, तो हम चूँकि हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड की, मतलब मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला द रिजल्टेंट इज गिवन बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है प्रूफ कैसे होगा इसका, ट्रायंगल लॉ प्रूफ किया था आपने। अब देखिए हम बात कर रहे हैं डायगोनल उसकी पैरेललोग्राम लॉ की, इसको भूल जाओ, भूल गए, ये पैरेललोग्राम के हिसाब से डेफिनेशन हो गई कि ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स ए बी और ए डी के द्वारा, तो उसके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल जा रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रिजल्टेंट। अब उस रिजल्टेंट की वैल्यू ये प्रूफ करके दिखानी है, वेरी सिंपल। अगर मैं इस
वो पैरेललोग्राम मानता हूँ, ये मानता का हूँ, हो ही रही है, तो AD और BC बराबर होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे, होंगे ना। वो मैं ट्रायंगल से पैरेललोग्राम समझा रहा हूँ, अब पैरेललोग्राम को प्रूफ करने हम जा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट की वैल्यू। अच्छा, अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डाल दो CN, बिल्कुल पीछे वाला प्रूफ हो गया ये। इसमें क्या आप निकालेंगे, यहाँ BN निकालेंगे और CN निकालेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से जैसे पीछे किया था वैसे कर लेंगे। क्या तरीका होता है, पहले तो आप इस पैरेललोग्राम को बनाया आपने, इसके बाद आपने इसको एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया। ट्रायंगल BCN देखिए, इन ट्रायंगल BCN अगर यहाँ पर साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बोले तो CN अपान हाइपोटेन्यूज कितना है BC, तो CN की वैल्यू क्या निकलेगी, बी साइन थीटा। अब हमको डायरेक्शन से या वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, हम उसका केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लगा दें क्या होता है, बेस BN अपान BC, तो BN की वैल्यू क्या निकलेगी, BC कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा। यानी ये साइड मालूम हो गई आपको और ये साइड मालूम हो गई। अब आप कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, अब ले लीजिए इन ट्रायंगल ACN, इन ट्रायंगल ACN पाइथागोरस क्या कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। AC क्या है, R स्क्वायर। AN की वैल्यू क्या है, AB प्लस BN, और AB है A और BN क्या है, B cos थीटा का होल स्क्वायर, और CN क्या है, B साइन थीटा का। ये पढ़ चुके हैं ना आप, इसको पढ़ा है आपने, इसको प्रूफ कराया गया पिछले टॉपिक में। इसका होल स्क्वायर खोल करके करिए, इसको निकालिए, इसकी वैल्यू देखिए। जब इसको ओपन करेंगे, हम बता दे रहे हैं, कर चुके हैं, जबकि आपने ट्रायंगल लामे हो गया है, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, और प्लस ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 हो गया प्लस 2AB कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, आर निकालोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब रिजल्टेंट जब आपसे रिजल्टेंट पूछा जाएगा, यानी वो रिजल्टेंट की पूरी वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पूछ रहे हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। हमने कहा भाई देखिए, मान लिया रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या करें, इसमें टेन अल्फा लगा दें, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया CN, और बेस क्या हो गया AN, और CN की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। इस प्रकार से हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। डायग्राम को समझ लीजिएगा, देखिए ये रिजल्टेंट हो गया, ये अल्फा हो गया, दोनों ही केसेस में ट्रायंगल लॉ में भी यही फॉर्मूला है और पैरेललोग्राम लॉ में भी यही फॉर्मूला है। अब यहाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस को याद भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट यूज हो जाते हैं ये। पहली चीज, अगर थीटा जीरो हो जाए, मतलब दोनों फोर्सेस जो हैं या दोनों वेक्टर्स, अब वेक्टर को या फोर्स को, क्योंकि रिजल्टेंट ज़्यादातर आपको किसका निकालने के लिए कहेंगे, दो फोर्स लगे होंगे उनका निकालो रिजल्टेंट, दो वेलासिटीज होंगी उनका निकालो रिजल्टेंट। तो जैसे एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में बी लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो डिग्री। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो बाई क्वेश्चन 1 निकाल लेते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB को पहचान के कुछ दिख रहा है आपको, यानी ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके बाहर जब निकल के आएगा होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, रिजल्टेंट, और ये एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होती है।
क्योंकि रिजल्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉज पर डिपेंड कर रहा है, और कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो एक तरीके से मैक्सिमम रिजल्टेंट का भी ये कॉन्सेप्ट है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स, सपोज टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स, यानी आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है मैक्सिमम, तो आप उसमें इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और उस केस में बाई क्वेश्चन 2 अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें रिजल्टेंट की, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा को रखो 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो रिजल्टेंट 0 होगा, 0 यानी कि अल्फा बराबर 0 डिग्री। देख भी रहे हैं आप, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट भी इधर ही जाएगा ना भाई, दो लोग किसी की खोपड़ी पकड़ के एक ही तरफ घसीट रहे हैं तो रिजल्टेंट डायरेक्शन में ही तो खोपड़ी जाएगी ना। तो ये आपका पहला केस हो गया कि अगर थीटा 0 है यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री है, इसी में लिख लेते हैं, सेकेंड केस थीटा कितना आगे हो गया 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कॉज 180 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा कॉज 180 डिग्री माइनस 1 वाली होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली में एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको, इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए, तो कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि कॉज 180 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ जो आर निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए माइनस बी, और ये भी ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक। और यहाँ रखोगे जब बाई क्वेश्चन 2 तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड केस हुआ कि जब थीटा 180 डिग्री हो, 180 का मतलब क्या हुआ, यानी किसी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट ऐसे एक्ट कर रहे हैं, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, उनके बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। तो आप देखो ये ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन में ये जाएगा, ठीक है। एक ये केस हो सकता है, अब चाहो तो थीटा को 90 भी लिख दो, तो क्या करना 90 लिख के, 90 रख के चेक कर लो कॉज 90 हो जाएगा। तो एक केस और कर लीजिए, थर्ड केस है कि अगर थीटा हम 90 ले लें, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, ये ए पॉइंट है ये बी वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, तो कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्विक बोल दिया करो, मतलब ठीक है लोग बोलेंगे हमसे क्या मतलब है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसमें क्या लिखोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, बोले मैक्सिमम मैक्सिमम भी नहीं मिनिमम भी नहीं, कुछ इसके बीच का होगा, जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे हम। और जब हम डायरेक्शन निकालेंगे टेन अल्फा से, तो साइन 91 होता है, कॉज 90 होता है, तो ये क्या आएगा बी अपान ए होगा, तो अल्फा की वैल्यू हम लिखते हैं टेन इनवर्स बी अपान ए। अगर आपको एग्जैक्ट एंगल नहीं मालूम है तो इस फॉर्मेट में आप अल्फा निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके तीन केसेस हैं, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है यानी कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं, तो क्या होगा, एंटी पैरेलल हैं यानी 180 डिग्री पे हैं तब क्या होगा, और परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। नोट करिए, ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा। आपने एक बॉल लिया और ऐसे ज़मीन पे ऐसे लुढ़का दिया, ठीक है, आपसे जा करके 10 मीटर दूर जा करके गिर गई, ठीक है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, क्या हाइट भी कवर कर रही हो, यानी कि उसके पास वेलोसिटी जो थी जो आपने दी वो उसको केवल ज़मीन पे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। आपने एक बॉल लिया 90 डिग्री पे ऐसे फेंक दिया और थोड़ी देर बाद वहीं ऐसे खड़े रहे, आओ आके कहाँ गिरी, आपकी खोपड़ी के ऊपर हैं, यानी कि हाइट तो उसने कवर की लेकिन आगे डिस्टेंस उसने कवर नहीं की। अगर आपने ऐसे किसी बॉल को फेंका तो देखा यहाँ से बॉल गई और सामने कहीं छत पे किसी जाके गिरी, आपने कहा देखो चाचा के छत पर गिरी है, चाचा के छत पे गिरी मतलब चाचा के छत, चाचा का घर आपसे घर के कुछ दूर है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की है और प्लस छत के ऊपर गिरी है तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है। क्या आपने बॉल को दो वेलोसिटी दी है, आपने बॉल को दो वेलोसिटी नहीं दी, एक ही वेलोसिटी दी है। उस वेलोसिटी के अंदर ये ताकत थी कि उस बॉल को आगे भी ले गई और ऊपर भी ले गई, आपने देखा होगा पिक्चरों में,
वो हीरो अक्सर 7-8 मंजिल के अस्पताल में ऊपर कोमा में लेटा होता है, उसकी अम्मा जाती खाना वाना देने के लिए, खाना वो लेके जाती है इसी किसी पेपर में लपेट करके ले जाती है, और जब खाना देती है पेपर खोलती हैं तो उसमें उसके पिताजी के हत्यारे की फ़ोटो होती है, बेटा उठ बेटा तू मर नहीं सकता बेटा बेटा ऐसे ऐसे कूटती है। मैं रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, कहानी कुछ और नहीं समझा रहा हूँ। फिर बेटा उठता है और अब सब अपना सुई भी हटा करके और वहाँ से पीछे से फान जाता है, आगे तो डॉक्टर जाने देंगे, 7 मंजिल फानता है, पीछे एक मोटरसाइकिल खड़ी होती है, नहीं कार से जाता है, मोटरसाइकिल से भागता है। फिर वो कार से भागता है कहाँ, उसमें एयरपोर्ट में यानी हेलीकॉप्टर में बैठ के विलन भागने वाला होता है, ये उसको मालूम था। अब जरा देखिए यहाँ पर रिजोल्यूशन वाली बात आती है, वो देखिए वो मोटरसाइकिल जा रहा है मतलब, और वो हेलीकॉप्टर से उड़ गया तो जा रहा है मतलब यानी आगे जा रहा है, और जाके देखता है कि वो हाइट पे हो गया, फिर वो क्या करता है, फिर वो मोटरसाइकिल पे खड़ा हो जाता है, मोटरसाइकिल चल रही है, यानी कि उसको उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। और इसके बाद वो देखता है तब पकड़ में नहीं आता है, फिर उसने अंगूठा भी बांध रखा होता है, इसे अंगूठा डालता है और लटक जाता है, ठीक है। अब विलन तो भाग गया, विलन को लगता है कि वो हीरो हमको पकड़ नहीं पाया, थोड़ी देर बाद वो जो शीशा होता है ऐसे झांकता है, वो कहता है हट हट हट, मतलब ऐसे करके लड़ाई होती है। कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए विलन हीरो को आगे भी भागना पड़ा, यानी उसके पास कौन सा मोशन था, हॉरिजॉन्टल, और उस तक पहुंचने के लिए उसको मोटरसाइकिल के ऊपर चलना पड़ा, कौन सा मोशन था, वर्टिकल मोशन था, यानी कि उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि किसी वेक्टर के पास 2 रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमने कहा कि सपोज करिएगा, मेरी राइटिंग बड़ी माशाल्लाह है, अभी सेज में राइटिंग तो सही होने से रही, जैसी है वैसी ही रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है ना, ये वेक्टर है जिस डायरेक्शन में वो विलन भाग रहा था, ठीक है। तो इसका हमने उसको रिप्रेजेंट किया ओपी से, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, उसको हमने मान लिया एक्स, मैं एक्स वैल्यू मान, हमने वेक्टर नहीं चढ़ा जानबूझ कर इसके ऊपर फिलहाल, और ये वर्टिकल हमने क्या माना, ए वाई, ठीक है। अगर इसका नाम दे दें हम सी, तो ए वाई के पैरेलल ये लाइन खींची गई है ना, जो सी पी है वो किसके पैरेलल है, ए वाई के, यानी इसको भी आप क्या मान सकते हैं, ए वाई मान सकते हैं। वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखिए एक वेक्टर आपने ये जोड़ा है और एक वेक्टर ये जोड़ा है और ये इसका रिजल्टेंट है, ट्रायंगल ला देखिए, ए सी प्लस सी पी इज इक्वल टू ओ पी होगा, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम ट्रायंगल ला देखें तो इसको हम ओ पी को लिख सकते हैं, ओ पी वेक्टर को ओ सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर लिख सकते हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, हमने इसकी लेंथ को ए एक्स माना हुआ है, ठीक है, हमने इसकी लेंथ को क्या माना हुआ है, ए एक्स, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, हाँ भाई ये जो लेंथ है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और हमने कहा था किसी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर क्या माना जाता है, आई कैप, तो हम ए एक्स में से आई कैप मल्टीप्लाई कर दें, या हम पहले क्या करें ए एक्स वैक्टर लिख दें और प्लस यहाँ क्या कर दें ए वाई वैक्टर लिख दें। अगर इस वैक्टर को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स मान लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, आई कैप से, और ए वाई को क्या लिख दें, ए वाई जे कैप। तो इस प्रकार से हम किसी वैक्टर को कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए एक्स इसका हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट है और ए वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। चूंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वैसे आजकल नहीं होता है, पहले होता था जब टीचर क्लास में आया एक को घसीट कंटा मारा दूसरा इसे कर लेता था, उसको तो नहीं मारा, मारा तो किसी और को था, वो ऐसे क्यों कर लेता था, यानी उस थप्पड़ का जो इफेक्ट था वो उस डायरेक्शन में भी
कुछ बहुत था, ठीक है, अब तो नहीं होता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब तुम भी पढ़ो पढ़ो, नहीं गुजो, कोई मतलब नहीं, टीचर से कोई मतलब नहीं, तुमसे यही मतलब है। तो पहले चूंकि मतलब होता था तो फिर मारे भी जाते थे और तगड़े से पढ़ते भी थे, पढ़ना मजबूरी है तो पढ़ोगे ही आपको। अच्छा, अगर आप ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, आप इसको भूल जाइए, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ओ पी स्क्वायर देखें तो इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर ले सकते हैं, यानी ए का मैग्नीट्यूड है ये, इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई वेक्टर, ये तो सिखाया गया आपको, अगर कोई वेक्टर आई जे के टर्म में दिया होगा, जो कि दिया होगा, आगे चल के वेक्टर आई जे के टर्म में ही आएंगे, उसमें आई के साथ जो होगा वो एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसका, और जो जे के साथ होगा वो उसका वाई कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। और अगर इसका मॉड निकालना चाहें तो आई के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशेंट का स्क्वायर कर दीजिए, बस ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसे नोट करिए पहले आप, देखिए अगर ये वेक्टर ए है ना, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता हो और ए एक्स की वैल्यू आपको निकालना हो, तो आप लिखेंगे इफ ए वो वाली वेलोसिटी है, वो वेक्टर है जिसमें विलन भाग रहा था हेलीकॉप्टर से, पैदल नहीं भागता उसने, तो हेलीकॉप्टर से ही भागते हैं। इफ ए मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा विद ओ एक्स, एक्स डायरेक्शन से, तो अगर हम कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा को ए एक्स अपान ए लिखा जा सकता है, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यानी किसी भी वेक्टर का थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर ए है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा आप लगा दें तो आएगा ए वाई अपान। अब आप कहेंगे ए वाई तो ये है, वो यही है ए वाई, लेकिन इसके पैरेलल लाइन गई है ना, इसलिए हमने उसको ए वाई मान लिया है। तो ए वाई अपान ए, ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा। तो हम जब आगे डिस्कस करेंगे कि भाई अगर किसी थीटा एंगल पे कोई वेलोसिटी दी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो वी कॉस थीटा लिखेंगे, वर्टिकल लिखेंगे तो वी साइन थीटा लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं। और अगर हम थीटा निकालना चाहें, दोनों को डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा क्या निकलेगा, ए वाई अपान ए एक्स। तो थीटा निकालने का तरीका क्या हो गया, टेन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स, ये थीटा निकालने का तरीका हो गया, ठीक। देखो ये तो रेजोल्यूशन वेक्टर्स का हो गया। रेजोल्यूशन मतलब होता है कि एक वेलोसिटी या एक वेक्टर के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर थ्री डायमेंशन होता तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन अगर हम लें, तो इसी में हम डायग्राम में नहीं शो करेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे थोड़ा सा। यानी किसी ए का ए एक्स होगा, ए वाई होगा और ए जेड होगा, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन, इन थ्री डी। तो हम वेक्टर को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए को, ए वेक्टर को हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बस आई जे के इसमें आएगा, ठीक है। और अगर हम इसका मॉड निकालना चाहें तो ये आएगा अंडर रूट, जो आई का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर। ये तरीका होता है मॉड निकालने का। यहाँ पर थीटा नहीं निकलता, क्यों, देखिए एक्चुअली यहाँ वहाँ पर थीटा क्या था, वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, यहाँ एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो यहाँ पर आगे चल के थ्री डी पढ़ाई जाएगी, उसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, वाई से बीटा बनाएगा, ए एक्स है ये ए वाई है, वाई के साथ, अच्छा ए एक्स लिखा तुमने भी एक्स लिख दिया, ये देखने को दो बार ए एक्स क्यों लिखा गया, जब ए वाई है तो ए वाई होना चाहिए, ठीक है। ये गलत इसीलिए लिखा गया कि सामने वाला ध्यान से देखे कि यहाँ गलती की गई है,